ड्रॉप ईयर में मैंने बायोम के टारगेट बैच में एडमिशन लिया था। बायोम है सिर्फ मेडिकल प्रिपरेशन का संस्थान, परंपरा को कायम रखते हुए झारखंड के इतिहास में पहली बार नीट यूजी में 700 मार्क्स पार। तो अपने डॉक्टर बनने का सपना पूरा करें बायोम के साथ। बायोम किनू और नगरा टोली रांची। विश्वविद्यालयों में हो रहे भ्रष्टाचार के विरोध में NSAUI की ओर से राजभवन के समक्ष धरना का आयोजन किया गया, जिसमें पूर्व केंद्रीय मंत्री सुबोधकांत सहाय सहित कई नेता शामिल हुए। सुबोधकांत सहाय ने कहा है कि झारखंड में बाहर से आए कुलपतियों की ओर से विश्वविद्यालय में भ्रष्टाचार किया जा रहा है। इसके साथ ही सभी विश्वविद्यालयों में छात्र संघ का चुनाव कराने की मांग की गयी। सिस्टम के अंदर नहीं लड़िएगा तब तक आप लोगों की मांग को, छात्रों के अधिकार को नहीं दिला पाइए। उन जिनकी 2008 की मतलब कि वो है नियुक्ति है, वो आज वहाँ पे बोर्ड के मेंबर बने हुए हैं। और इसी प्रकार से एक और घटना का मैं जिक्र करना चाहता हूँ। एक प्रिंसिपल जो छोटा जिला की ओर से तहे दिल से आभार व्यक्त करता हूँ, धन्यवाद व्यक्त करता हूँ। आप जान रहे हैं कि सबसे बड़े विश्व महाविद्यालय के प्रिंसिपल के साथ साथ 2 माह के भीतर रजिस्ट्रार का पद पे काबिज होते हैं, ये इसमें पूरी की पूरी भ्रष्टाचार। छात्र या छात्राएं पढ़ सके, और जिसके कारण हमारे कार्तिक राम महाविद्यालय में जो इंटर की जो पढ़ाई है उसको बंद करने की कगार पर है, जबकि वहां पे धन्यवाद भी दे रहा है नर्मदा का जिला। शिक्षा से संबंधित है, यूनिवर्सिटी के जानबूझ करके जो है वो स्टूडेंट यूनियन का चुनाव नहीं कराया जा रहा है। और बहुत बुरी हालत है, चाहे वो रांची यूनिवर्सिटी हो तो रांची यूनिवर्सिटी की, इसके कॉलेजों का विभिन्न जिलों में बुरी हालत है, जिसका लोग बखान कर रहे हैं यहाँ पूरी तरह से। मैं समझता हूँ कि चांसलर और वाइस चांसलर ये दोनों इनके साथ बैठ करके बात करें, और बिन हर एक जिलों के जो कॉलेजेज हैं उनकी जो समस्या है उस जिलों का जिलेवार उसका समाधान ढूंढे। नहीं तो मुझे लगता है कि NSUI तय करेगा कि यूनिवर्सिटी जब किसी काम के लायक नहीं है तो या तो पढ़ाई कराओ, व्यवस्था ठीक करो, या बंद करो, जो करना होगा एक फाइनल लाइन उन्होंने लेके। हमारा मांग है कि छात्र संघ चुनाव हो। अगर छात्र संघ चुनाव जो बंद कर दिया गया, ये सोची समझी साजिश है भ्रष्टाचार करने का। पूरे झारखंड के जो सभी विश्वविद्यालय में है, ज़्यादातर विश्वविद्यालय में उनके VC के ऊपर भ्रष्टाचार का आरोप लग रहा है। क्यों लग रहा है? क्योंकि हमारे जो कॉलेज के प्रतिनिधि छात्र संघ चुनाव होता है तो जीत के जाते हैं, यूनिवर्सिटी लेवल पर जीत के जाते हैं, वो छात्रों के अधिकार को अपनी बातों को रखते हैं। लेकिन जब चुनाव ही बंद हो जाएगा तो छात्र प्रतिनिधि के जीत के नहीं जाएंगे, तो वो यूनिवर्सिटी का जो मनमानी तरीके से चला रहे हैं उनके विरोध में बोलने वाला कोई है नहीं। हमारी मांग है कि जल्द से जल्द छात्र संघ चुनाव हो। जो 4 यूनिवर्सिटी के हमारे VC है जिनको आयोग घोषित किया गया है, कहा गया है कि वो योग्य नहीं है, जो UGC का गाइडलाइन है उसके तहत उनकी योग्यता नहीं है, उन 4 VC की जो अगर योग्य नहीं है तो उनको तुरंत निष्कासित किया जाना चाहिए। और जो उनका चयन हुआ है, एक ही चयन कमेटी के द्वारा 4 VC का चयन आयोग कर दिया गया है, ये भी तरीका नहीं है, बल्कि एक चयन आयोग एक ही VC का कर सकते हैं। तो इसकी भी जाँच होनी चाहिए कि किसके दबाव में, किसके प्रेशर में, किस तरह से ये चयन आयोग ने काम किया है। और आज जो CUET का मामला है, जिससे हमारे झारखंड के छात्रों को काफ़ी परेशानी आ रही है। CUET आने के वजह से इस बार जो है
हमारे झारखंड के हजारों हजार लाखों छात्र जो है वंचित रह गए एडमिशन लेने से। हम लोगों ने प्रदर्शन किया, मांग किया, ज्ञापन दिया, तब जाके उसे पुनः चालू किया गया और कहा गया कि सिर्फ इस बार के लिए पुराना व्यवस्था चालू किया गया। हम मांग करते हैं कि ये सीयूईटी आप लागू करना चाहते हैं तो उसके साथ साथ पुरानी जो व्यवस्था उसे भी आप चालू रखें। इंटरमीडिएट की जो विश्वविद्यालयों के द्वारा बताया गया था कि इंटरमीडिएट के छात्रों का डिग्री कॉलेज में नामांकन नहीं हो रहा है, सरकार ने उसके बारे में बोला तो बहुत सारे जगह पे हो रहा है और ज़्यादातर जगह पे अभी भी नहीं हो रहा। हम मांग करते हैं कि इंटरमीडिएट छात्रों का जो एडमिशन है पुनः चालू करवाया जाए। मिनी लंदन मैकलुस्कीगंज प्रकृति की गोद में बसा ड्रीम डेस्टिनेशन आपका कर रहा है इंतजार। आइए अपने यादगार लम्हों को बिताइए ड्रीम डेस्टिनेशन में। राजधानी रांची से महज 50 किलोमीटर दूर आपका अपना ड्रीम डेस्टिनेशन। जब टूटती है आस, जब थकती है सांस, जब रूठते हैं अपने मुंह मोड़ता है जमाना, जब अंगड़ाई लेता है संकल्प, फिर बनती है कहानी, बनते हैं अनमिट निशान। देखिए मेरे साथ संघर्ष की दास्तान।